लेकिन इस बीच अर्निंग्स है और अर्निंग्स के लिहाज से काफी सारी कंपनीज के नंबर्स आए भी और कुछ चुके आ भी रहे हैं। इसके अलावा अशोक गोयल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं एसएल प्रोपैक के, क्योंकि नंबर्स आ गए। नंबर्स पहले मैं आपको जरा जल्दी से बता देता हूँ। आय 6.5% के आसपास बढ़ी है, 683 करोड़ रुपये रही है। प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर भी ठीक ठाक सुधार ही हमको होता हुआ दिखा है। और साथ ही अमेरिका से जो आय है, बड़ा इंटरेस्टिंग है इस ध्यान देने वाली बात, क्योंकि इनके काफ़ी सारे प्लांट फॉरेन में भी हैं और 11% की ग्रोथ इनकी यूएस कारोबार में आई है और ये आप देख पा रहे हैं 143 करोड़ रुपए के आसपास की रही है। कुल मिला के मार्जिन भी कंपनी के ठीक ठाक हैं और वो सब कुछ मेंटेन किया है। मेरे साथ मैनेजमेंट के तौर पर कंपनी के CMD अशोक जी जुड़ चुके हैं। अशोक जी शुक्रिया। जैसे सर आप फिट हैं ना अशोक जी, आवाज आ रही है अशोक जी आपको? शायद अभी बात नहीं हो पाएगी, ठीक है। लेकिन इनका और कारोबार भी देखिए, जैसे क्योंकि इनके फॉरेन में प्लांट ज्यादा हैं इसलिए यूरोप से आए 11%, अमेरिका से आए 11%, टोटल कंसोलिडेशन आय का करीब 6.5% का बड़ा होता है दिख रहा है। और साथ ही मार्जिन भी इन्होंने मेंटेन रखे हैं, 7.5% के ऊपर के मार्जिन इन्होंने रखे हैं। अशोक जी शुक्रिया पहले तो इस बिजनेस को समय देने के लिए। सर मैं ये कह रहा था कि जैसे आप फिट रहते हैं ना वैसे कंपनी के नतीजे भी बड़े फिट है, बड़े शानदार नंबर रहे हैं और खासकर यूरोप और अमेरिका में ग्रोथ 11% से ऊपर की रही है। सर ये कैसे कर रहे हैं आप, क्योंकि ये बड़ा मुश्किल होता है यूरोप में और अमेरिका में करेंसी को देखना, वहाँ की अलग अलग इकोनॉमी को देखना, सब कुछ देखना। जी डिम्पल धन्यवाद। ये बिल्कुल सही कहा कि नॉर्मली जो जो लोग सोचते हैं कि अमेरिका और यूरोप में ग्रोथ पॉसिबल नहीं है, तो एसएल प्रोपैक का कंटिन्यूस ग्रोथ इन दो ज्योग्राफीज में दिखा पा रहा है और आगे भी हमारी ग्रोथ जो है अमेरिकाज में और यूरोप में और आगे बढ़ेगी, क्योंकि वहाँ हमें नए कॉन्ट्रैक्ट अभी मिले हैं और नए कुछ और मिलने की संभावनाएं भी हैं। तो इसलिए ये दोनों ज्योग्राफी में हमारी ग्रोथ का जो सिलसिला है वो जारी रहेगा। ठीक है जी। मिस्टर गोयल, साथ ही जो घरेलू बाजार है आपका यानी भारतीय बाजार, उसका प्रदर्शन कैसा रहा है, क्योंकि पिछली तिमाहियों में भी आपने कहा है कि कांस्टेंट इंप्रूवमेंट इंडियन बिजनेस में देख रहे हैं, स्पेशली जो फार्मास्यूटिकल बिजनेस है वो काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो इस बार ओवरऑल ग्रोथ कैसी दिखी है इंडियन बिजनेस में? भारतीय बाजार पिछले 6 महीने कुछ रेगुलेटरी चेंजेस की वजह से, जो कि विशेष रूप से फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए आए थे, उसकी वजह से हमारी ऑफटेक काफ़ी कम रही और एक विशेष कस्टमर हैं जो भी उनकी ऑफटेक कम रही, जिसकी वजह से इंडिया ने डी ग्रोथ दिखाया है पिछले यानी फर्स्ट हाफ में बोल लीजिए या पिछले तिमाही में बोल लीजिए। लेकिन जैसे जैसे फार्मा की जो रेगुलेशन की कंप्लायंसेस फार्मा कंपनीज कर पा रही हैं आगे चलकर ये क्वार्टर में कुछ सुधार होंगे और चौथे क्वार्टर में पूरी तरह से नॉर्मलाइज हो जाएंगे। ठीक है। तो इंडिया में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगले 6 महीने में स्थिति एकदम नॉर्मल हो जाएगी। ठीक है। अच्छा अशोक जी, आप इस पूरी प्रोसेस के अंदर चाहे वो ग्रोथ बाहर हो विदेशों में या फिर भारत के अंदर हो, मार्जिन्स को आप कैसे मेंटेन रखेंगे, क्योंकि ये तो ग्लोबली पैटर्न है, ये तो बाहर के बिजनेस पे भी और भारत के बिजनेस पर भी असर डालेगा अगर इनकी कॉस्टिंग बढ़ती है, आपकी कॉस्ट इन्फ्लेट होती है, तो ये कैसे मैनेज होगा सर? इसमें कितना डर लग रहा है कि हाँ कॉस्ट बढ़ सकती है प्रोडक्ट की, जिससे आप लेमिनेटेड ट्यूब्स भी बना रहे हैं? देखिए, मार्जिन का चैलेंज हमें नज़र नहीं आता है। जो आमतौर पे लोग सोचते हैं कि रॉ मटेरियल प्राइसेस का इम्पैक्ट आ सकता है, तो वो हम रॉ मटेरियल का जो इम्पैक्ट आए हैं वो हमने पास थ्रू मोर और लेस कर चुके हैं, थोड़े और बाकी हैं। लेकिन मार्जिन का एसएल प्रोपैक के बिजनेस पे एक बहुत बड़ा संबंध है ओवरऑल वॉल्यूम सेल पे, और इंडिया की यदि वॉल्यूम सेल कम रही तो ओवरऑल मार्जिन को डिप करता है, जो कि इन रिजल्ट्स में देखने को मिल रहे हैं। लेकिन जैसे वॉल्यूम वापस आ जाएंगे वैसे मार्जिन भी वापस आएगा, उसमें कोई संदेह नहीं। ठीक है। अशोक जी, कैटेगरी वाइज कहाँ पे अच्छी ग्रोथ इस बार दिख रही है, क्योंकि कैटेगरी में
फूड भी है, फार्मास्यूटिकल्स भी है, कॉस्मेटिक भी है। मेरे को अच्छी तरह याद है जब पिछली बार आपसे बात हुई थी, आपने कहा था कि हमने एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए कुछ एक प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं, तो अभी ग्रोथ उसी एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए ग्रोथ कहाँ पर आपको ज़्यादा अच्छी दिख रही है? आपने दो सवाल पूछे डिंपल, तो पहले मैं जवाब दे दूं कि 7.4% कंपोजिशन का डिफरेंस, कंपोजिशन ग्रोथ हुई है अमेरिकाज में सेम पीरियड लास्ट ईयर के मुकाबले में, और चाइना वो चाइना में 7.4% है और अमेरिकाज में 4.8% है, और इंडिया में यदि फार्मा सही चलता तो उसमें भी ग्रोथ आती थी। ये तो है नॉन ओरल केयर की ग्रोथ की, और नॉन ओरल केयर ग्रोथ चारों ज्योग्राफीज़ में बराबर बरकरार है। इवन इजिप्ट में भी नॉन ओरल केयर की ग्रोथ अच्छी है, लेकिन साथ में ओरल केयर की ग्रोथ उससे ज़्यादा है, तो रेशो यदि देखेंगे तो शायद डिप हुआ होगा, लेकिन डायरेक्शनली हम सही दिशा में चल रहे हैं। जहाँ आपने एनवायरनमेंट की बात की है, एनवायरनमेंट से संबंधित जितनी भी बातें मैंने पहले कही थी उसमें हमारी गति काफ़ी तेज़ हुई है अभी, और उसके चलते हम पूरे कॉन्शियस हैं और हमारी तैयारी भी है, और आगे चल के वो तैयारी और स्ट्रेंथन भी होगी कि हम एनवायरनमेंट की दृष्टि से किसी तरह से पीछे नहीं रहेंगे, उसमें हम कार्बन न्यूट्रलिटी की तरफ अग्रसर होंगे। ठीक है अशोक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आज बिजनेस को समय दिया, और हमेशा की तरह इस बार का बयान भी मार्केट के इन्वेस्टर्स को काफ़ी पसंद आ रहा है, क्योंकि शेयर इस समय दिन के ऊपरी स्तरों पर है। जो ग्रोथ यूएस और अमेरिका में भी थी, ये फिर से चैलेंज को हराते हुए इन्होंने प्रूव किया कि ना केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी पैसा कमाया जा सकता है, और बेहतर मैनेजमेंट से पैसा कमाया जा सकता है। ये आपके सामने ग्रोथ और ग्रोथ के बाद का रिएक्शन है। 2% ऊपर ये स्टॉक कारोबार कर रहा है 88 के लेवल्स पर, लेकिन 10 की कमाई के स्टॉक्स की हम चर्चा कर रहे हैं, और उससे पहले राकेश जी कुणाल जी के रडार पर स्टॉक आ रहा है, तो ये जुगलबंदी है, चार्ट कॉर्नर है।